नमस्कार, राजस्थान के सबसे बड़े विश्लेषण मंच पर आपका स्वागत है। सचिन पायलट जल्दी ही बीजेपी ज्वाइन करेंगे, ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि ये बात कही है बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष अब्दुल्ला कुट्टी ने। कुट्टी ने कहा है कि सचिन पायलट राजस्थान के एक बेहद लोकप्रिय नेता हैं और उनकी पार्टी कांग्रेस उनका सम्मान ही नहीं कर रही, इसलिए वो जल्दी ही बीजेपी ज्वाइन करेंगे। कुट्टी के इस बयान पर कांग्रेस कड़ी प्रतिक्रिया दे रही है, लेकिन क्या है ये मामला सिर्फ वार और पलटवार का है या फिर इसके कुछ और भी मायने हैं, इस पर आज हम बात करेंगे और इस पूरी खबर का विश्लेषण करेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारा चैनल राजस्थान संवाद सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि हर खबर का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। राजस्थान की राजनीति के विश्लेषण के सबसे बड़े मंच पर आपका स्वागत करती हूं। हद एक ऐसी चीज होती है जो अगर पार कर जाए तो विनाश होने से कोई नहीं रोक सकता। पानी का बहाव अपनी हद अगर पार कर दे तो कई बांध तोड़ सकता है और पूरे शहर को बाढ़ के आगोश में ला सकता है। गर्मी का तापमान अगर अपनी हद पार कर दे तो जंगल के जंगल जल सकते हैं, और सब्र अगर अपनी हद पार कर दे तो फिर कुछ भी विनाश संभव हो सकता है। कुछ ऐसा ही हो रहा है सचिन पायलट और उनके समर्थकों के साथ भी। राजस्थान में कांग्रेस की हालत 21 सीटों से 100 सीटों तक लाने में सचिन पायलट और उनके समर्थकों और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का क्या संघर्ष रहा, ये राजस्थान का बच्चा बच्चा जानता है। बस फर्क ये है कि कुछ लोग खुलकर बोल देते हैं और कुछ लोग अपने राजनीतिक हितों की वजह से चुप रह जाते हैं। लेकिन मन में हर कोई जानता है कि सचिन पायलट का कांग्रेस के लिए संघर्ष बुलाए नहीं भुलाया जा सकता। इतना सब होने के बावजूद भी पायलट हमेशा अपने संयम में रहे और कभी भी संयम को नहीं छोड़ा। लेकिन जब बात पदों से आगे बढ़कर विकास को रोकने पर आ जाए तो फिर कोई कैसे सहन कर पाएगा, खासकर वो जिनके विकास के वादों पर ही सरकार बनी है। इसलिए पायलट ने पहला विद्रोह किया और उसके बाद उन्हें जो आश्वासन मिला उससे लगा था कि अब स्थितियां ठीक हो जाएंगी, प्रदेश में विकास होगा। सम्मान नहीं मिलने की हद तो पहले ही पार हो चुकी थी, विकास नहीं होने की हद भी अब पार हो चुकी थी, और आश्वासन मिलने के बाद टाला मटोली की हद भी पार हो गई। इसके बाद भी अभी तक सचिन पायलट की कांग्रेस के प्रति निष्ठा जारी है। कुछ इसी तरह की हदों से ग्रसित पायलट के दोस्त ज्योतिरादित्य सिंधिया और जतिन प्रसाद ने भी कांग्रेस छोड़ के बीजेपी का दामन थाम लिया, लेकिन पायलट फिर भी कांग्रेस के निष्ठावान सेनापति बनकर कांग्रेस में ही डटे रहे। लेकिन अब हर हद पार हो चुकी है और ऐसे में बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष अब्दुल्ला कुट्टी का ये बयान आना कि पायलट जल्दी ही बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, ये खबरों में आने का स्टंट हो सकता था। लेकिन राजस्थान में हदों को पार करती राजनीति के हालात देखकर तो ऐसा भी लगता है कि अब्दुल्ला कुट्टी की बात शायद सच भी हो सकती है। लेकिन अगर ये बात सच होती तो सचिन पायलट बीजेपी या अपनी वजह से बीजेपी में नहीं जाएंगे, वो कांग्रेस की उस नाकामी की वजह से बीजेपी में जाएंगे जिसे कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता तो बहुत पहले से देख रहे थे। हालांकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हेमाराम चौधरी ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया है और जनता भी इस नाकामी की सरेआम साक्षी बनी है। निर्णय लेने में नाकामी, सम्मान देने में नाकामी, प्रतिभा पहचानने में नाकामी, जनता की नब्ज पकड़ने में नाकामी, कार्यकर्ताओं को सम्मान देने में नाकामी, इन सभी नाकामियों का नतीजा कांग्रेस ने कई बार देखा है। लेकिन न जाने वो कौन सा हार का मंथन है जिससे ये कांग्रेस कुछ सीखती ही नहीं। तो इसी तरह से राजस्थान की सभी खबरों का विश्लेषण आपके समक्ष हम लाते रहेंगे। आप देखते रहिए राजस्थान संवाद को। आज हमने कोर्स किया और कल हम उसको भूल जाते हैं, फिर कंपनी में अप्लाई करते हैं तो कंपनी हमें वापस से ट्रेनिंग देती है। आप जानते हैं ये सब कुछ क्यों होता है, क्योंकि आप जो सीखते हैं उसे उसी वक्त इम्प्लीमेंट नहीं करते। इसी वजह से मिशी मीडिया सॉल्यूशंस डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन में लेकर आए हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग कोर्स, जहां पर सीनियर प्रोफेशनल्स के साथ लाइव प्रोजेक्ट में आप डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल वीडियो प्रोडक्शंस को सीखेंगे और आपकी परफॉर्मेंस पर यही आपका रिक्रूटमेंट भी हो जाएगा। अब जब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है तो जाहिर सी बात है ऑनलाइन वीडियोज़ की डिमांड भी लगातार बढ़ रही है, और इस इमर्जिंग मार्केट में आपका स्वागत करने के लिए तैयार है मिशी मीडिया सॉल्यूशंस।
ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9549770549 या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं मिशी मीडिया सॉल्यूशंस @gmail.com।